हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवासी जिला क्रिकेट संघ के नी विरोधक अध्यक्ष हुए निर्वाचित जालौर क्रिकेट संघ डीसीए के चुनाव व वार्षिक एजीएम का हुआ आयोजन। आरसीए के चुनाव पर्यवेक्षक शेखावत व जिला खेल अधिकारी भाटी व निर्वाचन अधिकारी जोधपुर की उपस्थिति में चुनाव हुए संपन्न। भीड़माल में स्थानीय साई पैलेस होटल भीड़माल में जिला क्रिकेट संघ डीसीए के चुनाव व वार्षिक एजीएम का आयोजन हुआ। आरसीए के चुनाव पर्यवेक्षक धर्म सिंह शेखावत, जिला खेल अधिकारी प्रेम सिंह भाटी व निर्वाचन अधिकारी हिंदूराम चौधरी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। जिला क्रिकेट संघ जालौर के अध्यक्ष पद पर पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी निर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस दौरान अन्य पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए। जिला सचिव पद पर सतीश व्यास, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय माथुर, कोषाध्यक्ष पद पर पुखराज सुतार, सलाहकार पद पर शिव नारायण विशोई, प्रेस सचिव पद पर निरंजन व्यास, कार्यकारिणी सचिव पद पर दिनेश विशोई सहित साथ ही जिला उपाध्यक्ष पद पर 4 सदस्य, उप कोषाध्यक्ष पद पर 1 सदस्य, संयुक्त सचिव पद पर 2 सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य पद पर 7 सदस्य निर्वाचित किए गए। साथ ही ये कार्यकाल 4 साल का रहेगा। इस दौरान देवासी ने सभी का आभार व्यक्त किया व संबोधित करते हुए कहा कि इस पद को जिम्मेदारी से निभाते हुए संपूर्ण भाव से काम करके ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल से जोड़कर प्रेरित करते हुए युवाओं को खेल जगत में आगे बढ़ाएंगे। एकेडमी में रहने से लेके, खेलने से लेके, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज़ें उस एकेडमी में आ गई है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एकेडमी को जो है वो ज़्यादा अच्छी बनाए, पूरे संसाधन उसमें उपलब्ध कराए और हमारे डिवीज़न में एक अच्छी एकेडमी के रूप में जानूर की गिनी जाए, तब जाके हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे जितने भी लोग यहाँ है जालौर में, उन सबकी मदद लेंगे, सबको साथ लेकर और कोशिश करेंगे कि हम इस क्रिकेट में भी जालौर जो है वो अग्रणी जिलों में आवे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।